हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। उर्मिला वेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ हलवाई जैसा टेस्टी और क्रिस्पी आलू समोसा। तो आइए, चलिए हम बनाते हैं। समोसा बनाने के लिए हमने 500 ग्राम आलू धुल के उबाल लिया है। हम आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। देखिए, कढ़ाई में तेल गरम हो गया है और हमने 2 टेबल स्पून मूंगफली लिया है। इसे हम इसमें फ्राई कर लेंगे। मूंगफली अच्छी तरह भुन गया, अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए, हमने सभी आलू को अच्छी तरह मैश कर लिया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। 2 पिंच हींग डालेंगे तेल में। फिर हम इसमें खड़ी धनिया है इसको डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम जीरा डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हमने धनिया भी डाला है। हम इसमें कटे हुए लहसुन को डालेंगे, कटा हुआ मिर्चा है और कटा हुआ अदरक है। तीनों को हम एक साथ भून लेंगे। थोड़ा हमने हरा मटर लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने लहसुन को क्रश करके रखा था, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। हमने चाट मसाला भी लिया है 1 टेबल स्पून, इसको भी हम ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी डालेंगे इसमें। देखिए, मसाले हमारे अच्छी तरह भून रहे हैं। अब इसमें हम गरम मसाले को भी ऐड कर देंगे। भुना हुआ जो मूंगफली था, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम उबले हुए आलू को मिक्स कर देंगे मसालों के साथ। इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। देखिए, आलू अच्छी तरह भुन गया है। इसमें हम कटी हुई धनिया को भी डाल देंगे। समोसे का मसाला अब बन के तैयार हो गया है। हमने 500 ग्राम मैदा लिया है समोसे के लिए डो तैयार करने के लिए। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून कलौंजी लिए हैं और 1 टेबल स्पून हमने अजवाइन लिया है, तो इसमें हम इसको मिला देंगे। इसमें हम हल्का ही नमक डालेंगे क्योंकि समोसे में मसाले में नमक पड़ा हुआ है। इसको हम अच्छी तरह से मोयन हल्के गुनगुने तेल से देंगे। देखिए, मैदे में मोयन अच्छी तरह हो गया है। और इस तरह मोयन ऐसा होना चाहिए जो इस तरह मैदा जो है अच्छी तरह से बंध जाए। अब इसको हम गूंथ लेंगे। समोसे का जो डो है तैयार हो गया है। इसको हमने कड़ा ही गूंथा है। हमने इतनी बड़ी आटे की लोई ले रखी है, अब इसे हम बेल लेंगे। इसमें हमने कुछ लगाया नहीं है, ना आटा ना तेल, क्योंकि इसमें मोयन अच्छी तरह दिया हुआ है। इस तरह हम इसे बेल लेंगे। देखिए, हमने इस तरह इसको अच्छी तरह बेल लिया है। अब इसको हम हाफ ऐसे काट देंगे। देखिए, हमने सभी पूड़ियों को इस तरह बेल के और काट के रख लिया है समोसा बनाने के लिए। इस पे हम इस तरह पानी लगा लेंगे। हम इसको इस तरह पैक कर लेंगे अच्छी तरह। देखिए, अब इस तरह हम हाथ पे रखेंगे। इसमें हम फिलिंग को भरेंगे। अब इसके हम चारों तरफ इस तरह पानी लगा लेंगे। अब इसको हम पीछे साइड से इस तरह मोड़ देंगे और हम समोसे को अच्छी तरह इस तरह, देखिए, चिपका दिए हमने। और ये समोसा इस तरह हम करके अच्छे से बना दिए। देखिए, हमने सभी समोसों को इस तरह बना लिया है। तो आइए, चलिए हम फ्राई करते हैं। तेल को हल्का मीडियम स्लो आंच पे रखा है। इसमें हम समोसे को तल लेंगे। पहले हमने एकदम मीडियम लो आंच रखा था,
अब हम थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा दिए हैं। देखिए समोसे अच्छी तरह तल गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे समोसे कितनी अच्छी तरह तल गए हैं, इसे हम प्लेट में निकालते हैं। हम सभी समोसों को ऐसे ही तल लेंगे। समोसा हमारा बनके तैयार हो गया है। हमने हरी चटनी और टमाटो केचप हरी मिर्ची के साथ इसे सर्व किया है। आप लोग भी इसे बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा रेसिपी। देखिए समोसा हमारा कितना क्रिस्पी बना है और कितना क्रंची है, देखिए।